जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वो 700 रुपए का नगद पुरस्कार पाएगा। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 700 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है, फूलचंद या शंकर। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में पूरी और छोले लगे हुए हैं, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है पूरी और छोला खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर छोले पूरी लगी हुई है, आज हमारे छोले पूरी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में एक एक चैलेंजर के पास 30-30 पूरी और छोले लगे हुए हैं। आज हमारा 30 पूरी छोले ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में फूलचंद जी और शंकर जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 700 रुपए की राशि लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं छोला पूरी खाने के इस चैलेंज में दो महारथी आ चुके हैं, एक तरफ है शंकर और एक तरफ है फूलचंद। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 700 रुपए का इनाम कौन लेकर जाता है। देर न करते हुए हम चाहेंगे कि टाइमर को चालू कर दिया जाए। शुरू हो जाए भैया आप। और यहाँ पर टाइमर चालू हो गया। टाइमर चालू होते ही सबसे पहले शंकर बहुत गजब की बाइट उठाए हैं और उसका जवाब दिए हैं फूलचंद जी। तो देखना है कि क्या कमाल दिखाते हैं शंकर और फूलचंद। और दो पूड़ियां एक बार में खाए उसके बाद एक एक पूड़ी पे आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। तो देखना है कहां तक जाते हैं और क्या अंजाम निकलता है इस चैलेंज का। तो देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर पहुंचकर 700 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वो 700 रुपए का नगद पुरस्कार पाएगा। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 700 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है, फूलचंद। और इस कुंभकर्ण थाली को ये लोग खाली कर पाते हैं नहीं, कितने समय में खाली करते हैं। बहुत गजब। और दोनों ही बहुत गजब धैर्य बनाए हुए हैं और जो धैर्य बनाए हैं यही इनके जीत का कारण हो सकता है। तो देखना है कि सबसे पहले इस छोला और पूरी को कितने फुर्ती से, कितने समय में, कितने मिनट में खाली करते हैं। और देखते हैं फूलचंद जी आज चैलेंज में फायर कर पाते हैं नहीं, और फायर करेंगे तो पूड़ियां उड़ा पाते हैं नहीं। फूलचंद जी के साथ आज लगे हुए हैं शंकर। तो शंकर जब भी चैलेंज में आते हैं तो अच्छे अच्छे चैलेंजरों का छक्का भी छूट जाता है। तो देखना है कि फूलचंद जी शंकर के बाइट का जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, या फिर शंकर जी पीछे रह जाते हैं। शंकर जी और फुर्ती काफी लगाए हैं और वो फुर्ती देखने लायक है, बहुत बढ़िया, और मुस्कुरा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। गिलास नहीं उठाए ना अभी, गिलास नहीं उठाए, जब गिलास उठाएंगे समझ लो पर्वत उठा लिए हैं। और फूलचंद जी को जो एक्सल पावर लगाना था वो लगाकर बैठ चुके हैं और हाथ में गिलास भी ले लिए हैं और दूसरे हाथ में स्टेयरिंग भी संभाल लिए हैं। तो देखना है कि ये अपनी गाड़ी कितने मिनट कितने सेकंड पे मंजिल की ओर लेकर पहुंचते हैं। और दोनों हाथ में ढाल और तलवार ले लिए हैं, बहुत गजब। और शंकर, शंकर जो फुर्ती लगाए हुए हैं, जो साहस दिखा रहे हैं, ये साहस इनको हो सकता है पराजय का मुंह न दिखाए और ये जीत हासिल कर सकते हैं। और जब भी शंकर जी आते हैं चैलेंज में 90% तो विन कर ही जाते हैं और फूलचंद जी विन करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, और आज देखते हैं विन कर पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और इस समय फूलचंद जी जो एक्सल पावर लगाए हैं, शुरू से जो लगाए हैं एक्सल पावर, वो एक्सल पावर बरकरार रखे हुए हैं और यही एक्सल पावर इनको मंजिल तक पहुंचाता है। और आप देखना है कि आज साथ में बैठे हुए हैं शंकर, तो शंकर को हराना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन फूलचंद जी ने ठान लिया है कि आज शंकर को हम बिना हराए मानेंगे नहीं। और 2:35 हुआ है और इन लोगों की काफी ज्यादा पूड़ियां समाप्त हो चुकी है, हमको लग रहा है 3-4 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे और यही फुर्ती चैलेंजरों को चाहिए भी चैलेंज में आने पे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और देखते हैं कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत गजब। और इस समय फूलचंद जी जो चाहिए था वो एक्सल पावर लगा चुके हैं, लेकिन शंकर थोड़ा सा बढ़त बना लिए हैं। तो देखना है शंकर को पीछे कर पाते हैं कि नहीं, और शंकर भी काफी हद तक का स्पेस दे दे के खा रहे हैं और जो स्पेस दे रहे हैं वो फूलचंद जी के लिए प्लस पॉइंट है, और उस प्लस पॉइंट को कितना प्लस कर पाते हैं फूलचंद जी ये देखना है। और छोला के साथ सलाद भी खाना है। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके मंजिल पर पहुंचकर विजेता कौन कहलाता है शंकर। और आज लग रहा है छोले में मिर्ची नहीं है, अगर मिर्ची होती तो शंकर जी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आते। और बहुत गजब तरीके से शंकर गिलास को रखना चाह रहे थे लेकिन सोचे कि थोड़ा सा सिप करके पानी पी ही लिया जाए। लग रहा था कि थोड़ी सी मिर्ची लग गई इस वजह से पानी पीने लग गए। और मिर्ची लगती है, देखते ही देखते शंकर के थाली में मात्र 5 पूड़ी बची हुई है, आधी पूड़ी हाथ में लेकर पानी पी रहे हैं, जबकि फूलचंद जी के थाली में लगभग लगभग काफी हद तक की पूड़ियां अटखेलियां कर रही है। और इस अटखेलियां को बदलना होगा तो थोड़ा सा स्पीड लेकर चलना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है शंकर को पीछे कर पाएंगे फूलचंद जी, क्योंकि
काफी हद तक का शंकर आगे निकल चुके हैं और देखते हैं कितनी फुर्ती लगाते हैं और कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं। और 4 मिनट 4 सेकंड का टाइमर समय तय कर चुका है और देखते हैं फूल शंकर जी कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं। और फूलचंद जी के पास अभी भी 10-12 पूड़ियां बची हुई हैं और शंकर जी के पास बची हुई है सिर्फ 3-4 पूड़ियां। बहुत गजब खस्ता की पूड़ी समय पा चुके हैं शंकर। और पूड़ी पूड़ी को ऐसे दबा दे रहे, पूड़ी गायब हो जा रही, प्लेट में दिखी नहीं रही, पूड़ी कहाँ है? अरे भाई छील देगी यार। और छील देगी तो थोड़ा सा आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फूलचंद जी काफी पीछे हैं। तो फूलचंद जी के थाली में इस समय पूड़ियां गड़गड़ा कर रही हैं। फूलचंद जी बिल्कुल गुब्बारा हो चुके हैं, मतलब हवा निकाल रहे हैं बाहर, ओवर हो रहा है जैसे लग रहा है। और देखते हैं शंकर जी कंप्लीट कर पाते हैं नहीं, 3 पूड़ियां बची हुई सिर्फ, मात्र 3 पूड़ियों का सवाल है और 3 पूड़ियां खाते ही विजेता घोषित हो जाएंगे। और देखते हैं कितने समय कंप्लीट जी के। अब फूलचंद शंकर जी बिल्कुल आक्रामक रूप में आने वाले हैं और चैलेंज में देखते हैं कितने समय में कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत ही गजब तरीके से ग्रीन लाइट मिल रही है शंकर जी को। और इधर फूलचंद जी 1x1 पूड़ियों का आनंद ले रहे हैं और फूलचंद जी ऐसे लग रहा है जैसे कहीं गुम हो गए हो, बिल्कुल सदमे में आ चुके हैं। बहुत गजब क्या हो रहा है, सामने वाले प्लेट में पूड़ियां जैसे अपने आप गायब होती जा रही है और फूलचंद जी की प्लेट में बिल्कुल पैदा हो रही है, क्योंकि पूड़ियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और फूलचंद जी नो स्टॉप लगे हुए हैं चैलेंज में। तो फूलचंद जी आप अपने प्लेट को लेकर चलिए जच्चा बच्चा केंद्र, वहां पर देखना पड़ेगा हाँ। पूड़ियां कहां से आ रही है, आप पूड़ियों को नसबंदी कराना पड़ेगा क्या? बहुत गजब। और शंकर के प्लेट में बचा है तो मात्र छोला, अगर इच्छा हो तो इनको 2 पूड़ियां और दे दिया जाए। और खाएंगे क्या शंकर जी, लेंगे पूड़ी? बात गजब। और इस समय छोला खाना अनिवार्य है और फूलचंद जी कंप्लीट कर पाते जितनी पूड़ी बची है कि नहीं। और 34 पूड़ी फूलचंद जी के पास है, 34 पूड़ी शंकर जी के पास, तो देखते हैं 26 पूड़ी कंप्लीट कर पाते हैं फूलचंद जी नहीं। बात गजब। और शंकर लपेट दिए हैं फिर से और जब लपेट देते हैं तो अच्छे अच्छे पूरी तरह से गायब होते नजर आते हैं। और इस समय फिर भी छोला बच रहा है और छोला बचते ही और धीरे धीरे तीन का ज्यादा होता गया है और प्लेट से 6 पूड़ी दे दिए, मतलब 36 पूड़ी शंकर जी खाए हैं और फूलचंद जी खाए हैं, तो 24 पूड़ी भी नहीं, 4 पूड़ी अभी बची हुई, 20 पूड़ी सिर्फ खाए हैं और 36 पूड़ी तब तक खा गए, मतलब इन फूलचंद जी से डबल स्पीड में शंकर जी खाए हैं। तो शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और 700 के बजाय इनको 1000 रुपए इनाम की राशि दे रहे हैं। बहुत गजब, काफी पूड़ियां खाए हैं शंकर, ये सुनकर पूरी तरह से फूलचंद जी को नमस्कार कर रहे हैं कि हो सके तो और 3 पूड़ियां रख दो। नहीं नहीं आप खाइए, छोला नहीं है, छोले नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं छोला पूड़ी खाने के इस चैलेंज में एक तरफ बैठे थे शंकर और एक तरफ बैठे थे फूलचंद, जो कि बहुत ही बहादुरी से दोनों लोग इस चैलेंज को एक अंजाम दिए हैं। फूलचंद जी के हाथ थाली में तो पूड़ियों की बौछार होती रही और शंकर बहुत ही हौसला दिखा के लगभग अपने टारगेट से ज्यादा पूड़ी खा के आज विजेता घोषित हो गए। और 30 पूड़ी इनके प्लेट में थी, उसके बाद भी 6 पूड़ी और खा लिए, तो 36 पूड़ी खा लिए, तो शंकर जी का धन्यवाद करते हुए इनको 700 के बजाय 1000 रुपए इनाम की राशि कैश दे रहे हैं, क्योंकि शंकर जी जब भी चैलेंज में आते हैं अपना 100% रौद रूप दिखाते हैं और हर चैलेंज में विन कर जाते हैं। तो फूलचंद जी 30 पूड़ी थी और उसमें भी 6 पूड़ी शंकर जी को दे दिए, 4 पूड़ी अभी भी बची हुई है, मतलब 20 ही पूड़ी खाए हैं। तो फूलचंद जी का धन्यवाद करते हुए शंकर जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय शंकर के चेहरे पे बहुत गहरा मुस्कान है, क्योंकि 700 की जगह 1200 चला जा रहा था, मतलब जिसके हिस्से में जो जाना चाहिए तो ऑटोमेटिक भरा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर 1000 का नगद पुरस्कार जीतकर बहुत बहुत गजब का काम किए हैं। तो शंकर जी आपको यह चैलेंज आज कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, ज्यादा तीखा तो नहीं था छोला? तीखा नहीं था इसलिए तो और हिंच गए ना। तो फूलचंद जी क्या बात रही कि आप 20 पूड़ी में ही रह गए, चल नहीं पा रहे थे क्या? चल रही कि नहीं, सुबह चाय पिया गरम गरम लग गई, छाला निकल गया। अच्छा जल्दी जल्दी चाय पी लिए, ऊपर का छील दिया है, मतलब फफोला पड़ गया है, इस वजह से फूलचंद जी पीछे रह गए।
फिर भी फूलचंद जी अपना हौसला दिखाए, फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं। और शंकर जी जो एक्सीलेटर पावर लगाए उसके आगे फूलचंद जी पहले ही पनाह मार रहे थे, मतलब चैलेंज में अब आगे नहीं जा पाएंगे, तो फिर भी अपना एक्सल पावर लगाए थे फूलचंद जी, आए चैलेंज में, फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं। और शंकर जी कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि यार फूलचंद हमारे थाली में बार बार पूरी रख रहे थे और सोच रहे कितना शंकर जी खा जाए, हाँ। लेकिन हमारा थोड़ा कमजोर है ना शरीर, हाँ। फूलचंद काका का बहुत मजबूत शरीर है, मतलब टंकी शंकर जी का छोटा है और फूलचंद जी का टंकी बड़ा है, लेकिन टंकी बड़ा होने से नहीं मतलब है, प्रेशर भी होना चाहिए ना, तभी पानी फटाफट आएगा। तो शंकर जी की टंकी में प्रेशर ज्यादा है, तो शंकर जी बिन कर गए और फूलचंद जी आए, हौसला दिखाए, फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और शंकर जी को इनाम की राशि कैश दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।